दोस्तों, मैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं राउरकेला में। आपको बता दें कि राउरकेला का न्यू बस अड्डा आप देख सकते हैं हमारे पीछे मौजूद है, जहां पे कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें, कौन सी बसें कब मिलती हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉनिक बस जो चलती है, जो पूरा राउरकेला आप घूम सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले। प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जब कभी भी आप देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि न्यू बस अड्डा राउरकेला का जो कि मौजूद है, जंक्शन से 1 किलोमीटर आपको पड़ेगा। जब कभी भी आप रेलवे जंक्शन आते हैं तो ये सामने के लोकेशन में जंक्शन पड़ता है, वहां से सीधा थोड़ा सा दूर आइएगा उस रूट में तो ये सामने के लोकेशन में आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारी बसें हैं। चाहे आपको राउरकेला उड़ीसा के कोई हिस्सों में जाना हो, यहां से झारसुगुड़ा या जबलपुर या कहीं पे भी नागपुर वगैरह जाना हो, एमपी के हिस्सों में जाना हो, चाहे आपको झारखंड के हिस्सों में जाना, चाहे आपको यूपी के हिस्सों में जाना, इन सभी जगह पे जाने के लिए आपको बस यहीं से लेने पड़ेंगे। तो बसें यहाँ से बहुत सारी चलती है, साथ साथ में गवर्नमेंट बस अड्डा है, तो यहाँ से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बसें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ये मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप इन करेंगे, और इन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्किंग के लिए भी पैसा लिया जाता है। आगे जाएंगे तो आगे आपको दिखाते हैं, अभी बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो, और ये देखिए ये बस स्टैंड का ही है जो कि इधर भी आपको मिल जाएगा। ये पूरा जो है बस स्टैंड ही है। अगर इधर जाएंगे तो इधर खाने का आपको मिल जाएगा, फकीर मार्केट भी है, फकीर मोहन मार्केट। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी भुवनेश्वर की गाड़ी लगी हुई है, भुवनेश्वर है, कटक है, इन सभी जगह पे यहाँ पे आपको स्टैंड मिल जाएगा। ये पूरा स्टैंड ही है। अगर थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ पे ठेले वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। और ये बहुत सारे यहाँ पे जो बसें हैं वो लगी हुई है, देख सकते हैं ये सारे बसें जो है अलग अलग जगह पे जाती है, तो यहाँ से टिकट कटा सकते हैं, नहीं तो फिर बस में बैठने के बाद भी टिकट ले सकते हैं। दोनों सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, दिक्कत आपको नहीं होगा। हम आगे थोड़ा और ले चलते हैं आपको, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी बसें लगी हुई है, और इधर खाने पीने का, तो ये अलग अलग स्टैंड बनाया गया है। ये आपका नुआ गांव देख सकते हो, नुआ गांव में है, यहाँ से सुंदरगढ़ वगैरह सभी जगह के लिए आपको बसें अवेलेबल मिल जाएंगी, बहुत जगह के लिए, सीतापुर वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारी बसें हैं। देखिए यहाँ पे राउरकेला से राजगीर वगैरह भी जाना हो ना, पटना वगैरह, तो उन सभी जगह के लिए भी आपको यहाँ पे बसें मिल जाएंगी, पटना बिहार के लिए भी, गया के लिए भी। ये पूरा जो है बस ही है, बस पूरी तरीके से बस स्टैंड है। ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में है, ये अगर आप देखें उधर भी बस लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, चारों तरफ से देखिएगा ना तो बस ही बस आपको मिल जाएगा। ये देखो आप कितने सारे बस हैं, इधर भी बस आपको मिल जाएगा, ये भी स्लीपर एसी बस है। तो जब आप अंदर आइएगा तभी ये चीज़ें देख पाएंगे, क्योंकि देवगढ़ का भी यहाँ बस है। ये देखिए अलग जगह का है, सब उड़िया में लिखा हुआ है, चूँकि उड़ीसा आप समझ सकते हैं सिर्फ उड़िया का लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, नहीं तो अधिकतर आपको जो है ना उड़िया लैंग्वेज में ही मिलेगा। ये देखो आप इधर भी बस है, इधर भी बहुत सारी बसें, ये सारी बसें लगी हुई है, तो कालटा, कुसिमदू, टोडा, अलग अलग नाम है यहाँ पे, और उड़ीसा के कोई भी हिस्सों में जाना उन सभी जगह के लिए आपको बसें मिल जाती है। उड़ीसा के साथ साथ में अलग जगह के लिए भी यहाँ पे आपको बसें मिल जाती, तो ये अच्छा माध्यम है कि यहाँ से आप बस पकड़ के आराम से ले जा सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं बस स्टैंड, जब आप अंदर आएंगे तो इस तरीके से मिलेगा, अलग अलग स्टैंड बनाया गया इस तरीके से, जहाँ पे आके बसें रुकती हैं और देन यहाँ से आप चढ़ पाएंगे। तो ये बसें जितने भी लगी हुई है, ये जितने भी बसें लगी हुई है ये अलग अलग जगह पे जाएगी, और अलग अलग जगह पे जाने के लिए ही बसें लगी हुई है, जो कि सामने के लोकेशन में भी बहुत सारे बसें आपको मिल जाएंगे, और इधर भी बहुत सारे बसें हैं। तो ये पूरा जो बस है ये अलग अलग जगह जा रही है, स्टैंड लगा हुआ है, ये बना हुआ बड़ा सस्ती है, और इस शेड से जो है आप स्टैंड का यहाँ पे फायदा ले सकते हैं। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारी बसें भी है, ये देखो ना आप कितना सारा बस है, चेक करो आप, तो ये सारे बसें जो है ना यहीं से आपको लेना पड़ेगा, बहुत सारे बसें अलग अलग जगह, ठेले वगैरह भी मिल जाएंगे, सामान भी भेज सकते हैं इसमें, सामान वगैरह भेजना है तो सामान भी भेज सकते हैं, लेकिन अंदर आना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अंदर आइएगा ना तभी ये सारी चीज़ें हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक्स बस आपको लेना है ना बैटरी वाला, तो उसका अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका सारा पेट्रोल डीजल वाले जो है उन सभी के लिए है, एसी वगैरह। और जो यहाँ पे लोकल लोकल में आपको घूमना है तो शुरू में ही आपको मिल जाएगा, और अगर आपको दूर जाना है तो थोड़ा अंदर आइएगा तो ये सारी बसें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। हालांकि ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है, शुरू में तो लग रहा था कि छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़े रेंज में है, बहुत बड़ा, देखिए उधर पीछे तक गया हुआ है, पीछे तक दूर दूर तक जो है ना बस यही बसें अवेलेबल है, तो दूर जो है वो बहुत है, आगे तक है। ये सारा बसें जो है अलग अलग जगह पे जाने के लिए है, तो यही है कि बस स्टैंड में रात को भी यहाँ पे खुला रहता है, रात को भी आप आ सकते हैं, 24 घंटा ये बस स्टैंड खुला रहता है, कभी भी आइए कोई दिक्कत नहीं, और बसें आपको हमेशा यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक बस जितने भी है ना, रूट नंबर अलग अलग दिया हुआ है, रूट नंबर देख सकते हैं 109, 116, 111, इस तरीके से अलग अलग चलती है, और ये जितना है ये स्टैंड जो है इसी में है, इंक्लूड है, तो ये स्टैंड में जितने भी ये गाड़ियां दिख रही है ना एमओ बस, ये सारा इलेक्ट्रिक बस है जो कि यहाँ से चलती है, एसी बस है, और इसे जो यहाँ के सरकार है उनके द्वारा चलाया गया, तो ये बिल्कुल जो है गवर्नमेंट के अंडर में है और यहाँ से चलती है, अलग अलग रूट पे अलग अलग बसें चलती है और दिन भर चलती रहती है। तो ये सबसे अच्छा है कि धूप में भी अगर आप इसमें ट्रैवल करें तो आपको गर्मी नहीं लगेगा, एसी बस है, और ठंड में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ के सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किया गया है, ये सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आप जब कभी भी आएंगे ना तो उड़ीसा अगर आपको घूमना है, अगर आपको राउरकेला का मेन जो जगह जगह घूमना है, जैसे कुछ जगह पे आपको घूमना है, तो उसके लिए जो है आपको इसी वाले बस में सफर करना चाहिए। इसका एक ऐप भी आता है, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें कौन सी गाड़ियां कहां जा रही है, कब आ रही है बसें, वो आपको दिखाया जाएगा, उसके जरिए आप इसमें बैठ सकते हैं और आराम से कम्फर्ट होकर पूरी तरीके से राउरकेला को कवर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम एमओ बस यहाँ से लें और एमओ बस से पूरा सफर करें। ये पूरा जो बसें लगी हुई है ये देख सकते हैं एमओ बस ही है, जो कि एंट्री एग्जिट का अलग अलग गेट बनाया गया, देन वहाँ से आप घूम सकते हो, और आगे देखें तो उधर जो है पूरा ये बस स्टैंड ही है, तो ये आपको दिख जाएगा जब बस स्टैंड, ये सारी गाड़ियां बस स्टैंड से ही खुलती है जितनी भी है ना सारा, और देन यहाँ से फिर अलग अलग जगह पे जाती है, तो लास्ट स्टॉपेज यही है कहीं से आ रहे हैं तो, और यहाँ से जाइएगा तो यहाँ बैठिए और यहाँ से फिर आप ट्रैवल कीजिए, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारी बसें लगी हुई है, तो ये एमओ बस ही आप पकड़े जब कभी भी आप जाए ना अगर आपको यहाँ घूमना है तो। और देखिए इसमें लड़की वगैरह सब कुछ, लड़के लड़कियाँ सभी को जो है जॉब पे रखा गया है, कंडक्टर ऑपरेटर पे, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लोग रह जाते हैं, तो इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं और घूम सकते हैं आराम से कम्फर्ट होके, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो ये था पूरा जानकारी कि इस तरीके से आप यहाँ पे बस स्टैंड आके और ये पूरा कवर कर सकते हैं। आशा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन ये था यहाँ का राउरकेला का बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड इसे कहते हैं, जो कि जनता से 1 किलोमीटर की दूरी पे है,